हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंदर सैनी आज आपके लिए 32x50 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। इसमें 32 फ्रंट है, 50 इस घर की डीप है। इसमें आपको 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया, किचन, स्टेयरकेस एरिया, पार्किंग एरिया, ये सब आपको इसमें मिलेगा, वो भी पूरे वास्तु के अनुसार। यानी कि आप वास्तु शास्त्र अनुसार घर बना सकते हो, वो भी इस वाले वीडियो को देखकर, क्योंकि आपको डोर, विंडो, फर्नीचर, साइज के बारे में और वास्तु की पूरी जानकारी के साथ आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि आपको ये घर कैसे बनाना है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे पास यहाँ मेन गेट रहेगा और फिर रहेगा 23 फीट बाई 7 फीट 7 इंच का एक स्टेयरकेस एरिया। इस वाले स्टेयरकेस एरिया से आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये वाला घर आप ऊपर डिजाइन करना चाहो तो सेम बना सकते हो, चेंज करना चाहो तो इसमें चेंज भी हो जाएगा कि आप कुछ अलग बनाना चाहते हो फर्स्ट फ्लोर पर, वो भी चेंज हो जाएगा। 23 फीट बाई 7 फीट 7 इंच के एरिया में स्टेयरकेस एरिया आप यहाँ बना देना, ये स्टेयरकेस एरिया हो जाएगा। आगे से आप 6 फीट की जगह खाली छोड़ देना, तो ये 6 फीट की जगह आप खाली यहाँ छोड़ना, तो 6 फीट की आप यहाँ पर क्लियर जगह खाली छोड़ देना। फ्रंट में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा यहाँ, 12 फीट बाई 10 फीट का एक बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा। आप इस वाले बेडरूम में एक बेड लगा सकते हो, टीवी लगा सकते हो, अलमीरा लगा सकते हो, ये सब तीनों चीज़ें आपको इस वाले बेडरूम में लगाने के लिए मिलेगी। और इसका जो वेंटिलेशन करना है वो आगे जो हमने 6 फीट की जगह छोड़ रखी है उस साइड में एक विंडो लगा देना, तो इसका वेंटिलेशन आगे हो जाएगा। तो घर में एक बेडरूम आप यहाँ बना देना। ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम, एक बेडरूम आपको यहाँ बनाना है इस वाले घर में। यहाँ आपको मिलेगा लिविंग कम डाइनिंग एरिया, 16 फीट 9 इंच बाई 22 फीट 6 इंच के एरिया में आपको ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ हुआ लिविंग कम डाइनिंग एरिया, आपको इसमें बैठने के लिए सोफे, डाइनिंग टेबल, ये सब आपको इसमें मिलेगी। स्टेयरकेस एरिया की तरफ आप इसमें एक छोटी विंडो लगा देना, तो इसका वेंटिलेशन होगा स्टेयरकेस एरिया की तरफ। तो यहाँ आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहाँ बना देना। तो ये हुआ घर के लिए लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आप यहाँ बना देना इस घर में। फिर उसके बाद आपको फ्रंट में एक ड्राइंग रूम मिलेगा यहाँ, 12 फीट बाई 12 फीट का ड्राइंग रूम। आपको इसमें सोफे, टीवी का पॉइंट, आगे जो लॉन दे रखा है उस साइड में एक दरवाज़ा और एक विंडो आपको इस साइड में मिल जाएगी। तो 12 फीट बाई 12 फीट का यहाँ आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा। तो ये ड्राइंग रूम आप यहाँ बना देना इस वाले घर में। ये ड्राइंग रूम यहाँ बनेगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम हुआ। यहाँ आपको बनाना है घर में एक किचन, 16 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 9 इंच का आपको ये किचन यहाँ बनाना है। इस किचन में आपको गैस चूल्हा सिंक लगानी है। विंडो आप इसके लिए बाहर की तरफ लगा देना, तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो किचन 16 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 9 इंच की बनेगी। तो यहाँ आप किचन बना देना। तो ये हुआ घर के लिए किचन। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ बेडरूम, 12 फीट बाई 12 फीट का एक बेडरूम आपको यहाँ बनाना है। इसमें आपको बेड, टीवी, अलमीरा बना देनी है। घर में आप यहाँ एक बेडरूम यहाँ बना देना। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। तो यहाँ हम एक बेडरूम यहाँ बनाएंगे इस वाले घर में। तो ये बेडरूम यहाँ बन जाएगा, इसके लिए विंडो आप पीछे लगा देना।
तो पीछे की तरफ आप इसमें वेंटिलेशन करना, तो ये घर में दूसरा बेडरूम आप यहाँ बनाना। तो ये हुआ हमारे घर के लिए दूसरा बेडरूम, तो यहाँ हम दूसरा बेडरूम बनाएंगे इस घर में। अब हम डिजाइन करेंगे घर में टॉयलेट को, टॉयलेट यहाँ बनाएंगे 9 फीट 9 इंच बाई 6 फीट का, जिसमें टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, शावर आप लगाना। वेंटिलेशन करना है इसका पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ आप इसमें वेंटिलेटर लगा देना, तो इसका वेंटिलेशन पीछे हो जाएगा। तो घर में यहाँ आप एक टॉयलेट यहाँ बना देना। तो ये हुआ हमारे घर के लिए टॉयलेट जो बनेगा कॉमन। तो ये टॉयलेट यहाँ बनेगा। अब हम बनाएंगे हमारे घर में तीसरे बेडरूम को। हमारे घर में जो तीसरा बेडरूम बनेगा वो यहाँ बनेगा 12 फीट बाई 12 फीट का। आपको इसमें बेड, टीवी, अलमीरा ये सब आपको इसमें मिल जाएगी। विंडो आप पीछे लगा देना इसके लिए, तो इसका वेंटिलेशन पीछे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ आप बेडरूम बनाना जिसमें आपको बेड, टीवी और अलमीरा मिलेगी, विंडो आप पीछे लगा देना। तो घर के लिए यहाँ हम तीसरा बेडरूम यहाँ बनाएंगे। हमारा घर 32 बाई 50 का बना हुआ 3 BHK घर है, ईस्ट फेसिंग घर है। आपको ये वाला घर का नक्शा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, और इस वाले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।